चंडीगढ़ न्यूज वर्ल्ड देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते। आज हम आपसे ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने ग्लैमॉन फर्स्ट रनर अप का अवार्ड जीता है, जो कि हाल ही में दुबई में हुआ था। चंडीगढ़ से है, फिटनेस फ्रीक है, तो आइए उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। वेलकम टू अवर चैनल। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इसके लिए आपको बहुत सी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पहले तो मुझे आप ये बताओ कि आपकी ये जर्नी शुरुआत कैसे हुई? सो जर्नी की शुरुआत ऐसे, मेरे हस्बैंड ने फॉर्म भरे थे, उन्हें पता था कि मुझे ये ब्यूटी पेजेंट में जाने का शौक है, तो उन्होंने फॉर्म भरे 2023 की, और इनके ऑडिशन हुए थे जनवरी में, चंडीगढ़ के पास जो हयात होटल है उधर हुए थे। सो उधर ऑडिशन दिए एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड इन द ऑडिशन। फिर ये 4-5 महीने बाद इन्होंने दुबई में मेन फिनाले रखा था 5 अगस्त को, तो फिर ये 6 महीने हमने तैयारी करी। इसमें टैलेंट राउंड था, प्री जजिंग के लिए क्वेश्चन आंसर थे सारा, थोड़ा वर्ल्ड वाइड क्या करंट अफेयर्स चल रहे हैं, पॉवर्टी को, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हमारे क्या आइडियाज हैं, सो इसके ऊपर सारी तैयारी, पढ़ना लिखना ये सारा, टैलेंट राउंड, फिर वॉक सेशंस वो होते रहे, उधर मेंटोर थे, उन्होंने ऑनलाइन वॉक सेशंस भी दिए, सो ये सब कुछ चलता रहा और तैयारी पूरी जोर के बस खींच के हमने करी। तो ये आपका पहला पीजेंट है, राइट? इससे पहले मैंने मिसेस चंडीगढ़ किया 2018 में, देयर आई वन टाइटल मिसेस बॉडी ब्यूटीफुल, और उसके बाद मिसेस इंडिया का मैंने ये इस बार अब किया है। तो ये सब आपने मैरिज के बाद शुरुआत की? हाँ जी। तो जो आपके पेरेंट्स थे मायके, वहां से कितना सपोर्ट मिला और इधर ससुराल से कितना सपोर्ट मिला? सो सी, माय पेरेंट्स को मैंने बताया था जब मैं कि मिस पंजाबन वगैरह में जाना चाहती हूँ, क्योंकि आई ब्रॉट अप इन बठिंडा, सो हमारी लिमिट पंजाब तक की रह जाती है ना, सो बट उन्हें था थोड़ा कि अकेले जाना, उधर रहना करना, पता नहीं कितना क्या कैसे होगा, थोड़े से वो इस चीज को लेके लाइक कंसर्न थे, तो उन्होंने कहा था शादी करो, उसके बाद ये चीजें जो करनी है कर सकते हो। तो फिर 21 साल में हमारी शादी हो गई, जैसे हम जल्दी मिले लाइफ में, मैं और मेरे हस्बैंड, एंड वी हैड लाइक वी फॉल इन लव एंड देन वी गॉट मैरिड इन 21। सो मेरे हस्बैंड की फैमिली काफी मॉडर्न है, इसमें मेरे फादर इन लॉ है और ग्रैंड फादर इन लॉ है दोनों, एंड आई एम द ओनली वुमन इन द फैमिली, सो यस आई एम पैम्पर्ड बाय देम नाइसली। सो उन्हें था कि जो भी करो अच्छे से करो और हमें बता के सब कुछ। फिर ऐसे उनकी सबकी तीनों की बहुत सपोर्ट रही है थ्रू आउट, मेरी डॉटर की बहुत सपोर्ट रही है, उसे पता था कि मम्मा ने ये चीजें करनी है, मम्मा के पास टाइम कम है, तो वो जितना हो सकती थी अपने आप से चीजें कर लेती है, सो फुल सपोर्ट। क्योंकि आपने मुझे बताया कि आप बठिंडा से हो, बठिंडा कहीं ना कहीं लोगों की एक मेंटेलिटी रहती है कि यार लड़की ने ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए, तो आपको इस फील्ड में आना था और इस फील्ड में ऐसा चलता है, तो ऐसे मामले में आपके इन लॉज का क्या रिएक्शन रहा? सो मेरे इन लॉज तो बहुत मॉडर्न है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड के दादी जी हैं वो अपने टाइम में भी बिकिनीज डाल के स्विमिंग करती थी, तो उन्हें ये चीजें गलत नहीं लगती कि अगर स्विमिंग करना है तो बिकिनी तो डालनी है, कपड़ों में तो कर नहीं सकते है ना, और अगर अच्छे हो देखने में, फिट हो तो, या खुद को कंफर्टेबल है तो तुम उस तरह की चीजें डाल सकते हो। सो उनकी आइडियोलॉजी इन चीजों में काफी क्लियर है एंड देवर लाइक काफी ब्रॉड माइंडेड है। बाकी मेरे पेरेंट्स का शुरू से ये फंडा था, शादी कर लो, जो जैसे कहेंगे, जो उनको ठीक लगता है वैसे ठीक है, हम फिर तुम्हारे साथ हैं। सो मेरे पेरेंट्स को था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर गुड फॉर दैट, देन वी आर आल्सो हैप्पी। अच्छा, आपको भी बिकनी मॉम के नाम से जाना जाता है, तो वो टाइटल कैसे मिला? सो एक्चुअली जब मैं फिट हुई, मेरी अच्छी लाइक बॉडी कंफर्टेबल मतलब बन गई, तो मैंने बिकिनीज डाले, गोवा शूट भी हमने करे, तो काफी मेरे पिक्चर्स वायरल भी हुए, बट बड़ा पॉजिटिव कमेंट्स आए कि ये कैसे किया, लाइक लड़कियां भी लड़के भी, के यू नो लाइक कि बींग अ मदर एंड बींग सिंग सी सेक्शन और सारा कुछ, के हम कहते हैं कि पतले नहीं हो सकते, दोबारा एब्स निकाल लिए, फिट हो गए, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है, मुझे फील हुआ है, तो मुझे मतलब अच्छा लगता है कि मैं, जैसे लोग महंगी गाड़ी लेके दिखाते हैं कि भी ये गड्डी खड़ी है, तो मुझे भी ये लगता है कि अगर मैंने अपने आप इतना काम किया है रिलीजियसली लाइक, तो मैं इसे जरूर लोगों को दिखाऊं और लोग देखें कि भी हर तरह से स्ट्रेच मार्क्स भी नहीं आते, ठीक तरह अगर डाइट प्लान तो वर्कआउट प्लान करो और अपने आप को टोन्ड अप कर सकते हो और फिट रह सकते हो, सो दैट्स द पर्पस बिहाइंड दैट। आप बेटी के बर्थ के बाद मोटे हुए, राइट? हाँ, तो कितना टाइम लगा आपको फिट बॉडी बनाने में और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? तो 2013 में जब मेरी डॉटर बोर्न हुई, तो मुझे 4 साल लग गए हैं दोबारा बैक इन शेप आने में। कहते हैं ना कि अगर मोटे होने में टाइम नहीं लगता तो पतले होने में भी टाइम उतना ही लगता है, बस पेशेंटली काम करना पड़ता है, कोई शॉर्टकट्स नहीं लिए, कोई फेड डाइट्स नहीं ली। तो मेरे हस्बैंड फिटनेस कंसल्टेंट थे, तो उन्होंने मेरा सारा प्लान बनाया और बस मैंने उसे चुप करके
फॉलो किया बिना क्वेश्चंस के, और देखा मुझे कौन सी चीज़ सूट करती है कौन सी चीज़ नहीं सूट करती, तो उस हिसाब से प्लान किया। हर एक दिन मेहनत करी है, कभी दुखी भी थे कभी खुश नहीं है ज़िंदगी में, किसी चीज़ से कभी हार नहीं मानी, जिम गए हैं, वर्कआउट किया, डाइट प्लान किया। तो ये जो 3-4 चक्कर हैं ज़िंदगी के, इनको बहुत रिलीजियसली फॉलो किया है बिना कंप्लेंट्स। बात करें आपकी इस इवेंट की, इस कंपटीशन की, इसमें जब आपने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वहाँ पर और भी फीमेल्स होंगी, तो आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और आप ऐसा क्या खास लेकर गए कि इंडिया को प्राउड फील करवा पाए? सोसी उधर भोपाल से, बंगाल से, लाइक महाराष्ट्र, मुंबई, चंडीगढ़, ये दिल्ली, गुड़गांव, हर तरह से मतलब की लड़कियां थी, हम 25 वगैरह मिसेज इंडिया। तो हर एक कोई अपने आप में कॉन्फिडेंट था, हर एक कोई अपने आप में नंबर वन था। सो जिस करके वो इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी और सिलेक्ट हुई थी ऑडिशंस में, हर एक को अपना बेस्ट लेके आया था। तो बस मुझे ये था कि मैंने इधर किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है इधर। सबको हम जब मिलते थे सेशंस में, हेल्प मुझे भी करते थे, मैं भी करती थी, इंटरेक्ट होते थे। तो बस अपना जो भी मेरा बेस्ट है, अपना कल्चर मैंने दिखाना है, पंजाबी कल्चर वो लेके गई और उसे बस फुल 100% लगा के दिखाया। पर हाँ, कॉम्पिटिशन टफ था क्योंकि सारे उधर अच्छे खरे अच्छे कॉन्टेस्टेंट्स थे। कॉम्पिटिशन में आई थिंक आपने भंगड़ा परफॉर्म किया था, उसके लिए आपने कितनी मेहनत की, और वहाँ का जो, क्योंकि दुबई है, शेख वगैरह ज्यादा होते हैं, तो उन लोगों का क्या रिएक्शन रहा? सो मुझे लगता है कि जो पंजाबी कल्चर है ना, इसको सारे बहुत दिल से पसंद करते हैं, क्योंकि पंजाबी कल्चर इज वेरी लाउड, ये बहुत लाउड है। तो मैंने भंगड़ा जब दिखाया तो उधर कुछ शेख भी बैठे थे, मेरी वीडियो में भी हैं, वो भी भंगड़ा कर रहे हैं, उनके बच्चे दरवाजे पे खड़े हुए थे डोर पे, वो भी कर रहे थे, जजेस इवन एंजॉयिंग, ऑडियंस एंजॉयिंग, क्लैपिंग, दे आल्सो डूइंग दिस। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि यू नो, कि हर एक की आंखों में हूँ, हर एक की एनर्जी में हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा पंजाबी भंगड़ा करके मुझे, आई रियली एंजॉयड। इसके बाद अब व्हाट नेक्स्ट? अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं मतलब मिसेज इंडिया का कंपटीशन आगे एक और करना चाहती हूँ, जो कि आगे मिसेज वर्ल्ड में लेके जाते हैं। सो दैट्स अ बिग प्लेटफॉर्म। सो मुझे है कि मुझे थोड़ा इससे झांका सा खुल गया है, थोड़ा चीज़ें समझ आ गई हैं और बेटर, तो मैं वो और अच्छे से कर सकती हूँ, और थोड़ी बहुत जो कसर है उसे भी पूरा करके अब पीछे हटना है, फिर ये करूंगी। और बाकी जून में मेरे हस्बैंड कोच हैं, तो और लड़कियां बिकिनीज कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं बॉडी बिल्डिंग में, तो मैं वो वाली कैटेगरी करना चाहूंगी जो कि जून में होएगा, दिल्ली शेरू क्लासिक। सो दैट्स अ बिट ऑपोजिट फ्रॉम ब्यूटी पीजन, बट लाइक, बट दैट्स द थिंग, आई लाइक टू चैलेंज माई सेल्फ, सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक हिम प्राउड कि मैं इनका भी कर, बॉडी बिल्डिंग भी कर सकती हूँ। अच्छा, नॉर्मली ना कहा जाता है कि शादी के बाद किसी भी फीमेल को फिट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, हालांकि आजकल हम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देखते हैं, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करती हैं। तो आप ऐसे में फीमेल्स को कुछ सजेशन देना चाहेंगे, टिप्स देंगे कि वो किस तरह से अपने आप को फिट रख सकती हैं? मैं यही टिप देना चाहूंगी, एक तो सबसे पहले खुश रहो, खुश रहना सीखो। हमारे आधे तो हार्मोन्स मेस्ड अप हैं, क्योंकि हम स्ट्रेस्ड में हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जिस करके वेट गेन, वाटर बॉडी रिटेंशन होती है। और दूसरा, नींद पूरी करो, और दूसरा, तीसरा मैं कहूंगी कि डाइट, कि अच्छा डाइट प्लान कोई भी लेके, तो जो तुम खाते हो वो खाओ, नॉर्मल डाइट प्लान अराउंड दैट, उसके साथ स्टिक रहो, रोज वही फूड आइटम को थोड़ा रखो और पोर्शन कंट्रोल खाओ, और किसी अच्छे डाइटिशियन से कंसल्टेशन लो, किसी को हार्मोन प्रॉब्लम मैं तो हार्मोन थेरेपी के लिए किसी अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है उनको दिखाओ। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये बस सब अंदर की फिजियोलॉजी है जो हमें समझनी है और उस पर काम करना है। आप खुद भी मेरे ख्याल से लोगों को ट्रेन करते हैं, किस तरह से ट्रेन करती हैं और उनको क्या कहते हैं, आप कितने टाइम में फिट हो सकते हो एक्चुअल में, मतलब प्रॉपरली तो नहीं, बट हाँ कितने टाइम में, किस रूटीन के साथ आप फिट हो सकते हैं? सो हाँ जी, मैं 1-to-1 ट्रेनिंग देती हूँ, सेशन देती हूँ, मेरा अपना पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो है सेक्टर 10 में, घर के ऊपर मैंने बनाया था कोविड के टाइम, तो उधर मैंने ट्रेनिंग शुरू करी वेमेन से, तो उनके रिजल्ट आना शुरू हो गया मेरे पास। लाइक लड़के भी आते हैं 1-to-1 सेशन में, कपल्स भी आते हैं जो बड़ी सेशन लेते हैं, और मैं सबके यही कहती हूँ कि बस को धक्का नहीं लगाना, ट्रक नहीं चलाना, ट्रक को धक्का नहीं लगाना, बिना सांस चढ़ाए बहुत हल्का सा एग्जीक्यूट करके ठीक वर्कआउट लगाना है। सो दैट्स कॉल्ड वेट ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दैट्स नॉट पावर लिफ्टिंग। और ठीक तरह से डाइट खानी है कि जो भी हमारी डैमेज हो रही है, मसल डैमेज हो रहा है, उसको रिपेयर करने के लिए वी नीड अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन।
ये थे हमारे साथ ग्लैमर मिसेस इंडिया के बलप्रीत कौर, जिन्होंने फर्स्ट रनर अप का टाइटल जीता है। इसी तरह से आपके लिए और बढ़िया इंटरव्यूज लाते रहेंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए चंडीगढ़ न्यूज़ वर्ल्ड। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।